नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरा देश एकजुट होकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मानो जैसे देश की हवा का रुख ही बदल गया हो। हालांकि कई बड़े बड़े सेलेब्स ने इस मामले में चुप्पी साध ली है, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो सामने आकर बॉलीवुड में होने वाली गुटबाजी और नेपोटिज्म के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है सुशांत के परिजनों की ओर से। बताया जा रहा है कि सुशांत के परिवार वालों ने पटना पुलिस स्टेशन पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस मामले की इस तरह से छानबीन हो। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि इस केस में करण जौहर के सीईओ से पूछताछ होगी, जिसे लेकर एक इंटरव्यू के दौरान सुशांत के विधायक भाई नीरज कुमार ने कहा कि बाकी सभी फिल्म मेकरों से जैसे पूछताछ हो रही है, वैसे करण जौहर से क्यों नहीं हो सकती। सीईओ से बातचीत करने का कोई तुक नहीं बनता। इस केस को आत्महत्या और डिप्रेशन तक ही क्यों सीमित किया जा रहा है? इस केस को जिस तरह से घुमाया जा रहा है, हम संतुष्ट नहीं हैं। यही वजह है कि अपनी नाराजगी दर्ज करने के लिए सुशांत सिंह का परिवार पटना पुलिस का अब सहारा ले रहा है। हालांकि अभी भी उनकी ओर से एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं, इस बात की किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जैसा कि सभी जानते हैं, सुशांत के निधन के बाद कई तरह की बहस हो रही है। एक ओर लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे, उनका इलाज चल रहा था और इसी के चलते उन्होंने ये भयानक कदम उठा लिया। दूसरी तरफ एक्ट्रेस कंगना रनौत, शेखर कपूर और शेखर सुमन जैसे लोग सामने आकर बॉलीवुड में होने वाली गुटबाजी और नेपोटिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। सुशांत के परिवार से लेकर कुक और दोस्तों समेत इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग इस संबंध में पुलिस को अपना बयान दे चुके हैं। ऐसे में सुशांत के परिवार का कहना है कि मुंबई पुलिस की जांच का कोई फायदा नहीं हो रहा है। उन्हें ये बात कचोट रही है कि करण जौहर से सीधी पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। What is the reason, sir? Right thing you said, 3 साल. चलो चलो. Sir, right thing you release, let me know. What is the reason, sir? Now, what is the reason? Hey, yaar.